प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन पर असुविधा के लिए गरीबों से मांगी माफी। कहा, लड़ाई जीतने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी था, धैर्य बनाए रखें। पीएम ने संस्कृत का श्लोक पढ़कर बताया, बीमारी और उसके प्रकोप से शुरू में ही निपटना बेहतर, बाद में ये असाध्य हो जाती है। आरोग्य होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से ठीक हुए कई मरीजों से की फोन पर बात, उनके माध्यम से कोरोना की गंभीरता को लोगों के सामने रखा। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों से भी बात की, जाना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। समय पर उचित कदम उठाने, डॉक्टरों से बात करने से दूर होती है बीमारी। नर्सों को उनके काम के लिए धन्यवाद देते हुए पीएम ने फ्लोरेंस नाइटेंगल को किया याद। कहा, पूरे मन से मरीजों की सेवा के लिए सरकार ने किया मेडिकल से जुड़े हर शख्स का 50 लाख का बीमा। बैंकिंग से संबंधित लोगों का भी पीएम ने प्रकट किया आभार, लॉकडाउन में भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं बैंक कर्मचारी। होम क्वारंटीन में मौजूद लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करें लोग, ये लोग वायरस के पीड़ित हैं, कोई अपराध नहीं किया है, कई में वायरस के कोई लक्षण नहीं है, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। पीएम मोदी का बयान, लोग स्थिति की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, लॉकडाउन नहीं तो कोरोना से बचना मुश्किल है, दुनिया के कई देश लापरवाही का नतीजा झेल रहे हैं, भारत में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन से खेल रहे हैं, अमीर गरीब का फर्क नहीं जानता कोरोना। पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया सामाजिक संदेश, कहा, ये वक्त पुराने रिश्तों को तरोताजा करने का है, सोशल डिस्टेंस बढ़ाने का है, मगर इमोशनल डिस्टेंस घटाने का है, लोग परिवार दोस्तों के साथ ज्यादा घुले मिले। पीएम मोदी का बयान, कोरोना देश की सीमाओं में नहीं बंधा, पूरी दुनिया पीड़ित है, ये जीवन और मौत की लड़ाई है। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ नियमों में बदलाव को नोटिफाई किया, अब ईपीएफ अकाउंट से 75% तक निकाली जा सकेगी रकम, बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर सैलरी का हिसाब होगा और इसका 75% निकाला जा सकेगा, रिफंड नहीं करना होगा पैसा। भारत में कोरोना के कुल मामले 979 हुए, मौत का आंकड़ा 25 हुआ, 24 घंटे में 6 की मौत, 86 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना से दूसरी मौत, 62 साल के मरीज की श्रीनगर में कोरोना संक्रमण से मौत, डॉक्टर्स का दावा, लीवर की बीमारी से जूझ रहा था मरीज। अब तक जम्मू कश्मीर में कोरोना के 33 मामले आ चुके हैं सामने। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित, अमरावती से मेरठ लौटे व्यक्ति से परिवार के 4 लोग संक्रमित, मेरठ प्रशासन ने 50 लोगों को क्वारंटाइन में रखा, मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए मरीज। आज सुबह से आनंद विहार से लोगों की भीड़ कल के मुकाबले कम होती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी काफी तादाद में लोग यहां जमा है, पुलिस सभी से अनाउंसमेंट करके दूरी बनाने के लिए कह रही है। लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर घर जाने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, सरकार ने किया गांव तक पहुंचाने का इंतजाम, पुलिस अनाउंसमेंट करके सभी को दे रही है सही जानकारी। ईरान से 250 लोगों को लेकर विमान जोधपुर पहुंचा, इंडिगो एयरलाइंस के विमान से उतरे यात्रियों की एयरपोर्ट पर हुई स्क्रीनिंग, सभी को ले जाया गया आइसोलेशन कैंप। मुंबई में 40 साल की कोरोना वायरस संक्रमित महिला की मौत, महाराष्ट्र में कुल मौत की संख्या हुई 7, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 200 के करीब पहुंची। महाराष्ट्र सरकार को लोगों को आश्वासन, 6 महीने तक का खाद्यान्न स्टॉक सरकारी गोदामों में पड़ा है, नहीं होगी कोई परेशानी। 1 मार्च के बाद यूपी में बाहर से आए हर नागरिक की निगरानी और हेल्थ जांच करने के निर्देश, जरा भी शक होने पर क्वारंटाइन की सलाह। 14 दिन तक हेल्थ प्रोटोकॉल पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़कर 33 हुई, 24 घंटे में 17 नए मामले आए सामने। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 40 के पार, बगैर विदेश ट्रेवल हिस्ट्री वालों को भी कोरोना होने से मामला हुआ गंभीर, निजी अस्पतालों को तैयार होने को कहा।
लॉकडाउन का उल्लंघन करके वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डालना एक युवक को पड़ा भारी। पहचान कर युवक पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया, गाड़ी भी सीज। यूपी के नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ विदेश यात्रा की जानकारी छुपाने का केस दर्ज किया गया है। उस कंपनी की वजह से वहां काम करने वाले 13 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सैनिटाइजर की किल्लत के बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर नितिन मेहरा ने खुद सैनिटाइजर किया तैयार, टेस्टिंग में भी सभी मानकों पर पाया गया खरा। दिल्ली से पलायन कर रहे मजदूरों की दशा पर दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल का गाना वायरल, हमरा अपना बिहार में रोजगार चाहिए, गाकर जाहिर किया अपना दुख। सिर्फ 21 दिन के लॉकडाउन से नहीं रुकेगा कोरोना का संक्रमण। द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने काव्या और चैतन्य को दिया धन्यवाद, दोनों ने अपनी पूरी बचत कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड में डाली। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का नया नियम, पीएम केयर्स फंड में दिया गया पैसा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर में दिया गया पैसा माना जाएगा, पैसे देने से नहीं हिचकेंगी कंपनियां। चेन्नई में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर पुलिस की कार्रवाई, पहचान के लिए पुलिस सबको पीले रंग से कर रही है पेंट। अटारी बॉर्डर से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा गया पाकिस्तान, सभी मेडिकल वीजा पर आए थे भारत। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की पत्नी कोरोना वायरस से ठीक हुई, सोशल मीडिया पर लिखा, पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं, डॉक्टर्स ने भी दिया क्लियरेंस। भारत में 12.5 से 24 करोड़ लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की भविष्यवाणी से जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किया खुद को अलग, लोगों का अवैध रूप से हुआ इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया से बेटी ने लखनऊ में माँ के लिए मांगी मेडिकल मदद, यूपी पुलिस फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर पहुंची मां के घर और कराया इलाज। राजस्थान का अजमेर कोरोना से जंग को तैयार, ट्रेन का कोच अस्पताल में तब्दील किया गया, आइसोलेशन के भी काम आएगा, 14 मरीज रह सकेंगे। राजस्थान के डूंगरपुर में इंदौर से आए पैदल यात्रियों के साथ प्रशासन का अजीब रवैया, स्क्रीनिंग के लिए अस्पताल पहुंचाया लेकिन उन्हें छोड़ने के लिए नहीं की कोई व्यवस्था। राजस्थान के कोटा में आटे के कट्टे ले जा रहे मिनी ट्रक को जनता ने लूटा, लूटने में इलाके की महिलाएं और बच्चे तक शामिल। राजस्थान के जयपुर कोरोना संकट के बीच एम्बुलेंस कर्मचारी की सेवाएं बंद करने की चेतावनी, सोमवार दिन में 3 बजे से बंद होगी एम्बुलेंस सेवा, सरकार से की पुलिस की शिकायत। 18 से 23 मार्च के बीच विदेश से आने वाले बिहारियों की स्क्रीनिंग शुरू, 15 मार्च के बाद बिहार आने वाले हर एक की होगी स्क्रीनिंग।